ओम शांति। मेरा अनुभव यही है कि हम सब लोग भट्टी तो बहुत खुश थे और तैयारी में लगे थे। भट्टी के एक दिन पहले ही मेरी माँ का फोन आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी मेडिटेशन से इतनी तो पावर आ गई है कि हमारी स्थिति अच्छी से रहती है। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन मेरा तो इधर दो दो दिन का भट्टी है, प्रोग्राम है, मैं मंडे आ जाऊंगी। तो बोली ठीक है। तो मैं प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ऐसे ही थी, मतलब स्थिर थी स्थिति, क्योंकि मेडिटेशन की पावर, बाबा की ब्लेसिंग। तो मैं बाबा से उसको सकार देती थी बीच बीच में कि उसका दर्द ठीक हो जाए। तो भाई ने शाम को बोला कि फरिश्ता भेज सकते हो, तो मैंने झट से उसको फरिश्ता भेजा। और अभी मैं लंच ब्रेक में 4 बजे फोन किया कि मैं कल आती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कल आऊंगी। तो वो मुझे बोल रही है तुम कल क्यों आ रही हो। मैंने बोला अरे तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो मैं आ रही हूँ। बोला कुछ जरूरत नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम उधर ही रहो, इतना दूर से उधर क्यों आ रहे हो। तो फरिश्ता स्वरूप का मुझे नॉलेज नहीं था, मैं सकाश देती थी सबको, सकाश की ही नॉलेज थी। तो फरिश्ता स्वरूप से एक दिन में मेरी माँ का दर्द ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। अनुभव कैसा हुआ था? पहले ऐसा होता था जो भी हम लोग कर्म मतलब सेवा करता था वो टाइम में क्या होता कभी कभी बाबा को भूल जाता है। अभी ये भट्टी करने के बाद क्या हुआ था, मेरा साथी मतलब कभी भी मैं सेवा करने टाइम में फिर याद आता हाँ बाबा मेरे ऊपर है, हाँ बाबा ऊपर है, मतलब ऐसा अनुभव फील होने के बाद क्या होता है सेवा में और इंटरेस्ट मतलब जो उमंग है ना वो बढ़ता है, वही मेरे को अनुभव हुआ था। और दूसरा बात जो भी कुछ बोलता है तो कभी कभी क्या करता है ये क्या है ऐसा बोलता है, मैं मतलब कभी कभी आता है ना जो सेवा में भी, बट अभी ये बोलने के बाद मैं भी बोलना शुरू किया बढ़िया इतना कमाल कर दिया, मैं 8 दिन में चार्ज होता था आज 1 दिन में चार्ज कर दिया। तो मैं भाई से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने यहाँ साउथ नॉर्थ में अपने जो भट्टी 2 दिन के रखी वैसे साउथ में भी हो जाए, पर ऐसे बहुत भाई बहने हैं उनको भी आप। ओम शांति। पहले तो बाबा को थैंक यू, फिर शोभा बहन जी को और रमेश भाई जी को भी थैंक यू। आज इस भट्टी में बाबा ने हमको रमेश भाई जी को बहुत से पॉइंट सिखाए। पहले तो अपने फरिश्ते स्वरूप में फरिश्ता स्वरूप कैसे बनाना है ये सिखाया, और लीकेजेस के बारे में बताया, वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमारे अभी गृहस्थी में जब हमारे टीवी चालू रहता है हम ऐसे ही देखने को जाते हैं एक एक बार, और हम देखते हैं पर मालूम नहीं पड़ता, एक एक बार हमारे चित में रह जाता है कोई ऐसा सीन देखा, कोई गाना सुना, फिर कुछ भी ऐसा रह जाता है और हमारे चित में रहता है और उसके उसकी वजह से लीकेजेस हो जाते हैं। मेरे को पहले एक ब्राह्मण जीवन मिला है, उसके बाद मेरे को फरिश्ता सूक्ष्म बनाना है, उसके बाद फिर मैं देवता बनूंगा, नहीं तो मैं नहीं बनूंगा। ये मेरे को थोड़ा सूक्ष्म चित्र भाई ने एक्सपीरियंस करा है। मेरे बैठा था तो मेरे को ऐसा इमेजिनेशन आ रहा था सामने से, कैसा इमेजिनेशन, तपस्या कैसी करनी है, क्या कैसे क्या करना है, सब मेरे को जैसा एक्सपीरियंस हो रहा था, रिकॉर्डिंग जैसी हो रही थी, विजुअलाइज इमेजिनेशन हो रहा था मेरे माइंड में, कैसे क्या करनी है, तपस्या कैसे करनी है, वो कलर्स आ रहे थे। ये भट्टी तो मेरे लिए मेरा जीवन का परिवर्तन ही है, क्योंकि लास्ट 1.5 महीने से मैं बिस्तर पे थी और अभी उड़ रही हूँ। बहुत थैंक यू बाबा। 2 दिन से हम भट्टी कर रहे हैं यहाँ पे, सबको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और भाई जी से मैं बात कर रहा था कि 2 दिन में क्या क्या फर्क हो रहा है, इधर मेरे अंदर फर्क हो रहा है ऐसा मत समझो कि मैं बहुत साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो बिगड़ा हुआ चेहरा मुस्कुराहट लाना सबकी बात होती है, और बना के रखना है वही इम्पोर्टेंट है। बना के रखना मतलब अपने अंदर वो झांकना होता है कि मैं कितना बना हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग को भी ईगो हो सकता है कभी कभी कि मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, लेकिन अंदर से है वो यहाँ पे पता चला। जैसे भाई जी बात कर रहे थे बार बार आपको ठोक रहे थे, जैसे मूर्ति को ठोकने के बाद क्या होता है, एक पत्थर होता है उसको बार बार ठोका जाता है, तो कल से ठोकने का काम कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। पहला कौन कर रहा है? भाई जी।
भाई यहाँ नहीं आते तो क्या होता? बाबा कर रहा है, कर्म बाबा है, लेकिन बाबा के बाबा देखो किस रमेश भाई को लिमिट बना है, तो हमको भी कैसा बनना है। अगर एक बारी बारी अभी उदाहरण दिया किसका, चूहे का, इसका, फिर भी किस कोई कोई ऐसा देख रहे थे, पर मतलब उसको फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो एग्जाम ले रहा है, क्या ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। तो सभी ट्रेनिंग हुआ, तो ये सबका ट्रेनिंग है। और दूसरी बात भाई जी ने बताई वो बीज की होती है। बीज हमारा क्या है, हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो बीज सबने डाला होगा अभी, तो सतयुग के लिए जाना है तो पहला किसको तैयार होना है? हाँ, मुझे होना है। तो मैं जहाँ पे भी आप सेवा करते हो वो नहीं सोचो कि कितने लोग आ रहे हैं, मैं अगर हूँ तो सब है। हम सोचते क्या दूसरे है तो मैं हूँ, लेकिन नहीं, मैं हूँ तो सब है। सेवा कैसे होगी? मुझसे होगी। बाबा प्रत्यक्ष कैसा होगा? किसके मुस्कुराहट से? मेरा एक पुरुषार्थ में एक प्रश्न था कि मुझे हमेशा लगता था कि हम बाबा हमें मिले हैं तो हमें खुश तो रहना है। मैं रोज अमृत वेले यही कंडीशनिंग करती थी, प्रोग्रामिंग करती थी कि दिन भर खुश रहना है, लेकिन बहुत बार फेल हो जाती थी क्योंकि जब परिस्थिति आती थी आई यूज टू कॉपी, मीन्स थोड़ा बहुत ट्राई करती थी, लेकिन बहुत दिन भर हमारा काम ही ऐसा रहता है। तो बाद में एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा, तो इस नवरात्रि को मैं बाबा से हर बार पूछती थी कैसा करूँ, कैसा मीन्स कौन सा अभी शस्त्र अस्त्र उठाना है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान के अस्त्र मैंने यूज किए थे। तो बाबा ने आज मुझे आंसर दिया कि बाबा ने मुझे कहा अभी एक्टिंग करने का, आई यूज टू एक्ट, सामने से जैसे माया आती थी आई यूज टू कॉपी, मीन्स थोड़ा बहुत रहता था लेकिन फाइनली कॉपी, थोड़ा सा इफेक्ट तो होता ही था, लेकिन आज से नहीं, आई एम गोइंग टू कॉपी, एक्टिंग करूंगी, सुबह ही जैसे भाई ने बोला है वो सब प्रोग्रामिंग करूंगी और बाबा को भी साथ रखूंगी और अच्छे का एक्टिंग करूंगी। सो थैंक यू बाबा कि भाई साहब के थ्रू मुझे बहुत दिन का आंसर मिला है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक ही बाबा मिला है तो वो चेहरे से दिखना ही है। एवरीबडी हैज टू आस्क कि क्या कारण है इतने खुशी का, दिस इज द बेस्ट वे। थैंक यू भाई, थैंक यू बाबा। मेरे सामने आज मैं सुबह से इधर आ गया हूँ, तो इसमें एक ही मुझे मालूम हुआ कि जो संकल्प सुबह रखते हो तो वैसा ही हो जाता है, और बाबा को साथ में रखेंगे तो बहुत आसान संकल्प किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आज मैं घर में भी मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, लेकिन क्या होता है कि 2 मिनट के बाद उठेंगे, चलो 3:30 बजे उठेंगे ऐसा होता है, लेकिन आज क्या हुआ कि 3 बजे बाबा ने उठाया और बराबर 3:02 में मैं उठ गया और फटाफट नहाना वगैरह सब करके इधर आ गया। तो इधर में आने के बाद मुझे एकदम मधुबन याद आ गया, इधर पूरा फ्रेश हमको लगा और थकान नहीं हो गई। तो इसमें आज भाई ने कभी ऐसा भी मालूम हुआ कि जो कुछ भी संकल्प करते हो वो सच होते हैं, वो पहला संकल्प सच ही होना है। तो हम पहले भी अभ्यास करते थे फरिश्ता, योगिक खेती में फरिश्ता को खड़ा कर देते लेकिन ब्रह्मा बाबा के रूप में। अब यहाँ जब सुना कि हम खुद क्रिएटर है वो फरिश्ता के, तो अभी तो बहुत ही मुझे कल से नींद ही नहीं आ रही है, रात को भी 11 बजे सोई 2 बजे फिर से उठी कि मैं वो क्रिएट कैसे बना, इतना मजा आ रहा था कि बस अब मैं क्रिएट कर सकती हूँ, जो भी काम जहाँ भी मुश्किल है वहाँ वो हर जगह पे मैं उस फरिश्ता को भेज सकती हूँ। तो बहुत ही अपना तो तीसरी बात है कि पूछ रहे थे कि कितना दिन अभ्यास करेंगे, किसने कहा 8 दिन, किसने कहा 11 दिन, किसने कहा 21 दिन। मैं तो कहूंगी पूरे जीवन भर ये फरिश्ता का अभ्यास हमको करना है, फरिश्ते क्रिएट करने हैं हर जगह पे, भेजने पूरी दुनिया में भेज देने थे। और चौथी बात है जो श्रृंगार है बताया, तो जो हमारे जो संस्कार, जो कड़े संस्कार है वो
चेंज करेंगे तो ये श्रृंगार भी हमारा कितना अच्छा सुंदर बन जाएगा। एक्चुअली ये सारे जो सब्जेक्ट जो है आज के तो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही, क्योंकि अंत समय का ये पुरुषार्थ है। लेकिन भाई जी ने तो एकदम सीरियस नहीं बोलेंगे इसको, बहुत गहरा, सॉरी थोड़े कच्चे बच्चे है ना तो शब्द चेंज हो जाता है। गहरा टॉपिक है, सचमुच ही बहुत गहरा है। उसके बहुत गहराई से उसका मनन चिंतन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन भाई जी ने बहुत आसान करके ऐसे ऐसे बातों से हमको सिखाया कि वो बातें अंदर ही अंदर चलती रहेगी, तो हम सब ये प्रैक्टिस करने में भी हमको बहुत आसानी हो जाएगी। ओम शांति।